मैं इस देश की इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन गए हैं? जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईडी को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश की एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीआई सीपीएम को बरसों पुरानी उनकी फाइलिंग के बारे में, उनकी रिटर्न्स के बारे में चुनाव की घोषणा के बाद नोटिस भेजती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आंखों के सामने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीआई ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता।